रहा हूं, ये बास्टर्ड ऐसा ही नहीं, ये बास्टर्ड कौन था, ये बास्टर्ड जम्मू कश्मीर का उस वक्त हुक्मरान था, हम उसको मानते थे या नहीं मानते थे, या हमने उसके शख्सी स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं, मेहरबानी करके ये बात आप गौर से सुने, जब 26 अक्टूबर 1947 हमारे मुल्क का उस वक्त का नुमाइंदा वेमन साहब यहां तशरीफ लाते हैं और महाराजा उनके साथ एकॉर्ड साइन करते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। ये बात आपने जरूर जरूर सुननी है प्लीज ऑनरेबल स्पीकर साहब, और इन लोगों को तो गैरत करनी चाहिए और सुनना चाहिए। और 26 अक्टूबर ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव नो टाइम, यू प्लीज आर गोइंग नो टाइम, दैट डोंट टेक दैट सीरियसली, प्लीज लिसन टू मी नाउ सर। ऑन 26 अक्टूबर 1947 और अलेक्जेंडर साइमन को वो क्या कहते हैं, आगे बस स्पीकर साहब प्लीज ये जुमला जरूर सुने, वो कहते हैं उनको आगे दिखाते हुए कहते हैं दीपाक का है साइनिक, दीपाक का है साइनिक, ये मास्टर कौन था, ये मास्टर जम्मू कश्मीर का उस वक्त हुक्मरान था, हम उसको मानते थे या नहीं मानते थे, या हमने उसके शख्सी राज के खिलाफ एक मुनसब जगह डाल दी थी आपकी जगह, लेकिन अंदाजा लगाए नियत का, उनकी नियत का अंदाजा लगाए कि जो शख्स जम्मू कश्मीर को प्लेट में रख के उनके हवाले करता है उसके बारे में कहता है कि दिपास्ट है साइड एंड नाउ वी विल नॉट लेट इट गो। ये था वो पहला जुमला जो शुक्रिया के तौर उस वक्त की मरकज की हुकूमत के नुमाइंदे ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के एवज में हमको बताया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरकज की उस वक्त की हुकूमत का एक जिम्मेदार नुमाइंदा जब इस तरह का रवैया रखेगा तो आप शायरी से आप किस तरह तवक्का रखते हैं कि उसके दिल में हम लोगों के लिए वही मोहब्बत, वही शफकत और उसी रवैये का तरीका कार होगा जो हमारा उनके हवाले से रहा है। और अगर स्पीकर सर यह जो जम्मू कश्मीर के लोगों की एक्सपेक्टेशन से कहते हैं एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज ब्लाइंड, इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि जो परसू लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा था 49 बार अगर मैं सही कहता हूं तो 49 बार ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया माय गवर्नमेंट, जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने इस हाउस में खड़ा होकर उस हुकूमत को